बारे में? वन टाइम वॉच। वन टाइम वॉच ज्यादा अच्छी नहीं है। ज्यादा अच्छी नहीं है, यह बहुत लोग बता रहे हैं बहुत अच्छी है। यार पता नहीं, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन। नंबर वन मूवी है, नंबर वन मूवी है। एकदम धांसू है, देखो मैं तो वैसे शाहरुख खान देखा, तू ऊपर देख गया है तो ये पिक्चर कितना बजा, एकदम धांसू है। मानोगे जो कितने गाना ना क्या मैम, बेटी से बाप बनाते पहले बाप से पूछे। नहीं नहीं आप गलत बोल रही है, दोबारा बोलिए। बेटे पे हाथ उठाने से पहले बाप से पूछे। ये पूछा खाता कमाई, क्योंकि उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो मतलब अपने देश के हित के लिए बताई गई हैं। जैसे जैसे कि अच्छा कौन कौन से हीरोइन और हीरो दिखाई गई इसके अंदर? शाहरुख खान को जानते हैं। अच्छा संजय दत्त की। अच्छा बाप बेटी में से अगर हम पूछ करें, शाहरुख खान का डबल रोल दिखा गया है तो किसका बेस्ट रहा? दोनों का बेस्ट रहा। जो एकदम मम्मी वाला लुक यार, लिटरली मेरी ये गूज़बम्स यूं पड़े हुए थे। अच्छा और कुछ अच्छा फनी भी है, कुछ सीन है उंगली वाला सीन है, बहुत अच्छी। अच्छा भैया मूवी कैसी रही? बढ़िया बढ़िया बोल के जाओ यार, कैसी नहीं बढ़िया कैसी? क्या मूवी के बारे में कुछ बताओ हमें। अच्छा बॉलीवुड के बादशाह है, बादशाह रहेंगे। हाँ तो मूवी के बारे में हमें कुछ अच्छा बता के जाइए, क्या संदेश लेके जाती है मूवी? मूवी यार इंसान को जगा के जा रही है, अपना नेता अपने हाथ से चुने, पूछताछ करके चुने, पता करके चुने क्या करेगा देश के लिए। अच्छा डबल रोल दिखाया गया इसके अंदर, तो रोल बाप का अच्छा रहा है या बेटे का? दोनों का ब्लॉकबस्टर, दोनों का ब्लॉकबस्टर, क्या बात है। भैया अरे यार बोला करो यार, तुम लोंडे हो, जवान हो तुम। एक सेकंड भैया, मूवी कैसी रही? क्या मतलब संदेश देके जाती मूवी? कि हमें सही को वोट देना चाहिए। थोड़ा तेज बोलिए। हमें सही व्यक्ति को वोट देना चाहिए। और संजय दत्त की जो एंट्री दिखाई गई है, वो एंट्री आपको कैसी लगी? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, नायक नहीं कल नायक हूँ मैं, जबरदस्त वाली ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक सेकंड, मूवी कैसी लगी आपको? जी तो बैठ डालेगी, तुम बोलो चाहे ना बोलो, चेहरा तो तुम्हारा आएगा। भैया मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत बढ़िया, क्या लगता है कितने करोड़ पे कमा पाएगी? अब ये तो मूवी के डायरेक्टर वगैरह मूवी जैसे अच्छा खासा कमाई, क्योंकि उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो मतलब अपने देश के हित के लिए बताई गई हैं। तो जैसे जैसे कि क्या आप जरा बता के जाइए हमें। एक तो भ्रष्टाचार को मतलब खत्म करने की काफी चीजें बताई गई हैं, जिस तरीके से मतलब उसमें दिखाया है कि काफी नेता लोग होते हैं जो जैसे अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री भी हैं, जो लोग मतलब स्वास्थ्य के नाम पर मतलब नेता लोग हो जाते हैं और काम वगैरह नहीं करते, उस बारे में बताया गया है। अच्छा हाँ, तो काफी चीजें ऐसी हैं जो मूवी को मतलब डायरेक्शन ऐसा देती है कि नेता लोग देखें, जिससे मतलब इंडिया के भ्रष्टाचार थोड़ा खत्म हो जाए। अच्छा शाहरुख खान का डबल रोल दिखाया गया है, तो रोल आपको किसका अच्छा लगा, बाप का या बेटे का? नहीं दोनों का रोल ठीक है, बाप बेटे दोनों एक बराबर है। नहीं दोनों में से अगर एक हम चुने तो कौन विजेता रहेगा? नहीं वैसे बाप का रोल क्योंकि ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग तो जो हुई है वो बाप ने ही करी है, आर्मी इंडिया की। अच्छा एक और चीज, जब संजय दत्त की एंट्री होती है तो वो एंट्री आपको कैसी लगी? एंट्री बहुत बढ़िया, नायक नहीं खलनायक में। भाई एक सेकेंड, भैया एक मिनट, मूवी कैसी लगी आपको? एक सेकंड मूवी कैसी लगी? एवरेज। थोड़ा बता के जाइए मूवी के बारे में। वन टाइम वॉच ज्यादा अच्छी नहीं है। ज्यादा अच्छी नहीं है, यह बहुत लोग बता रहे हैं बहुत अच्छी है। यार पता नहीं, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन। चलो ठीक भाई, मस्त रही तो मस्त के अंदर हमें कुछ बता के तो जाओ यार। बहुत अच्छी है। अच्छा एक सेकंड, बहुत अच्छी हम कैसे माने, उसके अंदर कुछ बता के भी तो जाइए हमें, क्या अच्छा था, क्या था? ये लोग शर्माते हैं भाई, लोग बोल नहीं पाते हैं। एक सेकंड भैया, मूवी कैसी रही? मूवी बढ़िया थी। बढ़िया थी, बढ़िया के अंदर क्या अच्छा रहा, कुछ संदेश देके जाती है मूवी? संदेश तो खैर वही देती है, संदेश पॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है उसके बारे में। अच्छा हमारी, एक सेकंड इधर आ जाइए, हमारी दो हीरोइन दिखाई गई है इसके अंदर, दीपिका और एक साउथ की हीरोइन, इन दोनों में से कौन सी हीरोइन आपको ज्यादा अच्छी लगी, किसका करेक्टर बढ़िया रहा? तो साउथ की हीरोइन, साउथ की अच्छी लगी भाई, उसने दीपिका को भी फेल कर दिया है। दीपिका का छोटा सा रोल भैया। थैंक यू सर, प्लीज। ओके 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 जाओ भैया। कैसी रही मूवी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जैसे कि मैं एक बात, अब सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, बाप बेटे के अंदर दोनों में से किसका रोल अच्छा रहा? बाप का। अच्छा और दीपिका अपनी बॉलीवुड एक्टर रही, और जो एक और हीरोइन थी जो साउथ की, उन दोनों में से किसका रोल अच्छा रहा? दीपिका का। नहीं यार देखने में तो साउथ की बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल फिट, क्या है फाइट दिखाई गई है उनकी। दीपिका रहेगी, हमारे बॉलीवुड वाले हैं इसलिए दीपिका रहेगी। और देखो फुल शो मतलब बिल्कुल हाउसफुल शो चल रहे हैं, वो काफी टाइम से भीड़ निकले जा रही है
भैया कैसी रही मूवी? मूवी एक नंबर की थी भाई, एक नंबर की एक थी नंबर की। क्या कहना चाहेंगे जो लोग देखने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए? इस मूवी को जरूर देखें, गदर से तो सुपर हिट है और ज्यादा है। गदर से सुपर हिट है। क्या लगता है कितने करोड़ कमा पाएगी ये? 1000 crores तो कर जाएगी ऊपर उसके। 1000 crores कर जाएगी, किस वजह से? क्या है मूवी के अंदर ऐसा? स्टोरी बहुत जबरदस्त है इसकी, स्टोरी बहुत जबरदस्त है। क्या मैम बेटे से बाप उठाते हैं पहले बाप से पूछे? नहीं नहीं आप गलत बोल रही है, दोबारा बोलिए। बेटे पे हाथ उठाने से पहले बाप से पूछे, ये बिल्कुल। आओ 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 इधर आओ। कैसी कैसी रही मूवी भैया? नंबर वन मूवी है, नंबर वन मूवी है। एकदम दासू है। देखो मैं तो वैसे शाहरुख खान देखा तुम्हें, पर देख जाए तो ये पिक्चर कितना भाई एकदम दासू है। मानो जो कितनी अच्छा, अब आपने दासू दासू 3-4 बार बोल दिया, तो कोई भी हमें एक ऐसा सीन बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा। जो देश के अंदर राजनीति थी गंदी चीज है ना, यहाँ पिक्चर में एक नंबर पर दिखाई गई है राजनीति कैसे सुधारी जा सकते हैं। अच्छा, जवान है सब गलती है, अधिका गलत कर रहेगा, वो सब दिखाई गई है। अच्छा, राजनेता भी रोटी सेके हुए, कोई हिंदू है कोई मुसलमान हो जाट हो कोई पत्ना है करता है सब खत्म। देख गया मैं, अगर आदमी या दिल पे लेके देखे बहुत आदमी मोटिवेट होगा। अच्छा, कौन कौन से हीरोइन और हीरो दिखाई गई इसके अंदर? शाहरुख खान को जानते हैं। अच्छा, संजय दत्त की जो एंट्री दिखाई गई है उस एंट्री का क्या कहना है? घुमाने के बाद तुम्हारी पिक्चर आई हुई कुछ आई तो एंट्री दी जाए। अच्छा, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, वो मतलब बहुत अच्छा थी ना भैया। तो क्या कहना चाहेंगे शाहरुख खान की एक्टिंग के बारे में? एक्टिंग माइंड ब्लोइंग, पिक्चर फैमिली लाइक है, देखनी चाहिए, देखनी चाहिए। पिक्चर बहुत शानदार है। कोई भी ऐसा सीन एक मुझे आप बता सकते हैं जो कि बहुत से लोग विरोध करते हैं, जो विरोध करने लायक हो? कोई नहीं, नहीं ऐसी कोई मूवी नहीं है। और सबसे बेस्ट सीन? बस बेस्ट सीन फैमिली पिक्चर है, मेन चीज किसानों के पर दिखाया है। अच्छा, दो हीरोइन है इसके अंदर, एक दीपिका है और एक अपनी साउथ वाली है। तो जो रोल है वो कौन कितने ज्यादा अच्छा किया? ज्यादातर साउथ वाली हीरोइन का रोल है इसमें, दीपिका का थोड़ा ही रोल है, थोड़ा ही रोल है। अच्छा, और बाप बेटे में अगर हम चूज करें, शाहरुख खान का डबल रोल दिखाया गया है, तो किसका बेस्ट रहा? दोनों का बेस्ट रहा, दोनों का बेस्ट रहा। सीन जो इंटरवेल में हुआ है ना बाप का, वो बेहतरीन रहा, वो बेहतरीन रहा। क्या बात है। और आपका हम बता दें भाई, आप KGF जैसे बहुत लग रहे हैं बिल्कुल। यस राज फिल्म वाले, यस जी बिल्कुल, यस राज भाई। ये शर्माते यार लोंडे, तभी हमें बुरे लगते हैं यार, शर्माना नहीं चाहिए। तो मूवी भैया आपको कैसी लगी? देखिए पिक्चर बढ़िया, एक्शन से भरपूर है, रोमांस से भरपूर है। जैसे कि आपने पहले ही मूवी देखी थी एसआर की सर की, जो पठान आई थी, पठान में केवल एक्शन था और अपने इंडियन ऑडियंस को ज्यादा एक्शन पसंद नहीं है, पसंद है लेकिन इस लेवल का नहीं है। लेकिन जो जवान मूवी है ये इसके अंदर मिक्सर है, ये फैमिली ड्रामा एक्शन सब कुछ इसके अंदर। अगर आप लोग कभी प्लान बना रहे हो अगर आने का, तो आप आइए, बिकॉज मूवी बहुत धाकड़ है सच में। और एक ऐसे ऐसे कुछ सीन थे कि जो ऑडियंस जो देख रही थी, पूरा थिएटर सुन हो जाता था, आंखों से आंसू और पूरे लोगों की आवाज़ बंद, क्योंकि ना कुछ इमोशनल सीन्स होते हैं उनमें यही होता है। और बाकी बार मूवी तो मेरी अच्छी थी, 10 में से 8 रेटिंग्स दूंगा, 2 रेटिंग्स मैंने अपने पर्सनल रीजन से काटी है। तो वो रीजन क्या है? जो दो रेटिंग वाला रीजन है, थोड़ा बहुत म्यूजिक वगैरह को लेके, जो मेरे को म्यूजिक थोड़ा पसंद नहीं आया, बाकी का सब कुछ बेस्ट है। और वैसे मेरे को मिलना भी टिकनिक दो अपना एज अपनी चॉइस है। तो मूवी के अंदर सबसे अच्छा सीन एक कोई मुझे आप बता सकते हैं? हाँ, जो आपको सबसे अच्छा लगा हो? ठीक है, मूवी के अंदर सबसे पहले तो जब जो स्टार्टिंग की जो एंट्री थी गूज़बम्प्स वाली, ये शाहरुख खान जो मतलब जैसे कि आपको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, आपने देखी मूवी? मैंने देखी है। देखिए जो आपको एंट्री होती है स्टार्टिंग में, तो जब वो रिवर में से निकाल के जाते जो तिब्बत बॉर्डर पर, जो उनको रिवर से निकाल के लाते हैं, जब वो एंट्री लेते हैं जो एकदम मम्मी वाला लुक में, यार लिटरली मेरी ये गूज़बम्प्स पड़े हुए थे। अच्छा, और कुछ अच्छी फनी भी है, कुछ सीन है उंगली वाला सीन है, बहुत अच्छी। अच्छा, इसमें बाप बेटे का रोल किया है शाहरुख खान ने, दो दिखाए, तो आपको बाप बेटे में से दोनों में से किसका बेस्ट लगा? नहीं, बेस्ट तो दोनों का लगा लेकिन बाप तो बाप रहता है भाई, बाप तो बाप रहता है। तो SRK की कोई होड़ नहीं कर सकता, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है एक्शन में, और लिटरली मस्ती मूवी है, मस्ती मूवी है। और एक और चीज, अपनी दो हीरोइन दिखाई गई है मूवी के अंदर, एक है साउथ की और एक अपनी दीपिका पादुकोण, तो आपको दोनों में से किसका बेस्ट लगा? देखो जो साउथ वाली वो तो मेरी क्रश है, बट दीपिका पादुकोण भी बहुत अच्छी है, दोनों का एक्शन अच्छा है। और लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था ये मूवी में ये एक्शन मिलेगा, बिकॉज अपने यहाँ ना जो एक्टर जो मेल एक्ट्रेस है उनको लीड रोल ज्यादा मिलता है, फीमेल को कम देते हैं, लेकिन इसमें फीमेल का भी ध्यान रखा गया है, अच्छी तरीके से उनको प्रिपेयर किया और ट्रेनिंग भी अच्छी हुई थी उनकी। मैंने सुना करीब 4-5 महीने तक उनका एक्शन की ट्रेनिंग ली गई थी, देन उसके बाद वो भी शूटिंग चालू हुई थी। जो अपनी साउथ वाली एक्ट्रेस है उनका वास्तविक बहुत अच्छा सीन रहा, मैंने भी देखा, काफी ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, एक और चीज, जब संजय दत्त की एंट्री हुई वो कैसी लगी आपको? भाई मेरे को अच्छी लगी, मैं तो खड़ा हो गया था यू करके। क्या बात है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। वो सॉन्ग आया था ना, वो बताते हैं जो लोगों का जिन्होंने देखी 20 के जमाने में जब मूवी देखी थी खलनायक, तो वो जो लोग पुराने पुराने वो लोग तो एकदम चिल्ला उठे, भाई
हमें इतना नहीं था, जो हम तो नहीं कम देखी है मूवी, बट वास्तव में मूवी अच्छी है। आप लोगों को अगर ट्राई करना चाहते हो तो एक बार जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय द वे मेरा भी चैनल है, मैं भी यही वर्क करता हूँ। किस नाम से आपका चैनल? शर्मा ब्लॉग्स। अभी शर्मा ब्लॉग्स। क्या बात है।